बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुशामदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज गुजराती किचन में जो डिश बन रही है चिकन अचारी हांडी है, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और सबको पसंद आने वाली ये हांडी है। तो चलिए, सर्दियों में तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए नई नई डिशेज बनानी पड़ती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं हांडी बनाती हूँ। तो चलें बताती हूँ आपको वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले चिकन बता दूँगी। 3 पाव के करीब चिकन है, जिसे मैं 2 के तो छोटा छोटा काट लिया है। इधर मैंने आधा किलो फेंटा हुआ दही ले लिया है। इधर कूटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी है 1 चम्मच, नमक है 1.5 चम्मच और पीसी हुई लाल मिर्च है वो भी 1 चम्मच। सूखा धनिया ले लूँगी 1 चम्मच। कलौंजी ले लेंगे हम 1 चम्मच। इधर मेथी दाना है वो हम हाफ चम्मच ले लेंगे। साथ ही राई दाना ये भी आधा चम्मच है और इधर सौंफ है 1 चम्मच। तो आपने ये जो मेथी दाना है ये थोड़ा कम लेना है, ये कड़वा होता है, तो अगर ज़्यादा आप डालेंगे तो फिर ये कड़वा हो जाएगा। तो मैंने हसीय ज़रूरत इनकी सारी चीज़ें ले ली हैं। थोड़ी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही ली है क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, मैंने मिर्चें ले ली हैं बड़ी 3 अदद, तो पीस के तो थोड़ा सा मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब बचा दूंगी। वो मैं आपको बताती हूँ कि मिर्चों के अंदर हमने भरना है ये मसाला। तो साथ ही 3 अदर टमाटर ले लेंगे, हसवे ज़रूरत क्रीम ले लेंगे, साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसे मैंने ब्राउन करके तो क्रश्ड कर लिया है। इधर वाइट मिर्च है, ब्लैक मिर्च है ये आधा आधा चम्मच है। साथ ही हम ले लेंगे कुटा हुआ लहसुन 2 चम्मच और कुटा हुआ अदरक भी 2 चम्मच है। 3 अदद हरी मिर्ची हैं, इसे मैं बार के तो आपको बताती हूँ। साथ ही 2 नींबू हैं ये और साथ ही जूनियर कटा हुआ अदरक 1 इंच के बराबर। तो नींबू हम इस मसाले के अंदर इसका रस निकाल के तो फिर हम फिल करके बताऊँगी मैं आपको। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने की है फ्लेम ऑन। हांडी है तो हम हांडी में ही बनाएंगे, मिट्टी वाली हांडी में पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ इस हांडी के लिए स्पेशल। तो चलिए, मैंने इसे 15 मिनट पहले चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। इसे गर्म होने में बहुत ही टाइम लगता है, जब भी आपने बनाना है तो फर्स्ट टाइम आपने इसमें दूध बॉयल करना है। दूध बॉयल करने से ये ख़राब नहीं होती, ना ही पे जो है ना टूटने का ख़तरा होता है। तो मैंने पहले दूध बॉयल करके इसे धोया, तो फिर मैं 15 मिनट पहले इसे रख दिया जो है ना मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए। तो इधर मैं हसबे ज़रूरत ऑयल ले लूँगी। हसबे ज़रूरत ऑयल ले लिया मैंने। तो अब मैं डाल दूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब डालते हैं हम चिकन। चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक ये वाइट हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गया मुझे इसे फ्राई करते हुए, तो देख सकते हैं आप ये वाइट हो गया है। पानी भी इसने जो है ना खुश कर लिया चिकन ने। चिकन देखिए हमारा वाइट हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दूंगी, तकरीबन 2-2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक है तो ये हम डाल देंगे। अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बड़ी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो साथ ही में आप 3 अदद टमाटर हैं जिसे मैंने 2 हिस्सों में काट के तो अब मैंने इसमें डालने हैं, ऐसे डाल देंगे। डाल के तो इसे मैं कवर कर दूंगी।
कर दिया मैंने तकरीबन ऐसे 5 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं, तो फिर बाद में हम इसका छिलका जो है ना आसानी से उतार सकें। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल आसा फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ, तो अब इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब इसका छिलका उतार देते हैं, बड़ी आसानी से इसका छिलका जो है ना रिमूव हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए पहले भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको छिलके उतारने की, तो ऐसे आप डाल दें हल्की सी आंच पे, जितना कि हम चावलों को दम लगाते हैं, तो आप ढक्कन दे के तो इसे रख दें, तो फिर बाद में इसका देखिए जी छिलका आसानी से आप उतार सकते हैं। तीन टमाटर थे, तीनों का छिलका मैंने उतार दिया, तो अब इसे बिल्कुल हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि टमाटर जो है ना हमारे बिल्कुल यकजा हो जाएं इसमें। अभी थोड़े थोड़े खड़े खड़े हैं टमाटर, तो बिल्कुल हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे जो है ना इसे पका लेना है, अच्छी तरह भून लेना है ताकि ये टमाटर जो है ना गल जाएं। तो इस स्टेज पे आके डालेंगे हम ब्लैक पेपर है और वाइट पेपर है, 1 टेबलस्पून के बराबर है, तो ये हम डाल देंगे, हल्का सा हम भून लेंगे इसे। साथ ही मैंने सारे मसाले आपको बताए थे अचारी हांडी के, राई दाना, सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना था, तो ये सबको मैंने पीस लिया है, तो अब हम इसमें सारा डाल देंगे। बस एक चम्मच मैंने रखना है, वो मैंने मिर्चें भरनी है। मैंने ये मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा ली थी हांडी के बराबर, तकरीबन हांडी के मुकाबले में मैंने ज़्यादा ली थी, जितनी हांडी में डालनी थी मैंने डाल दी है, तो ये हम एक चम्मच रख देंगे। मैंने फिल करना है मिर्चों को, तो आपको मैं दिखाती हूँ। आपने भी जब ये मसाला पीसना है तो इन चारों मसालों का जो है ना चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ले लेनी है ताकि एक्स्ट्रा हो, तो फिर आप मसाले जो है ना भर सके अपनी मिर्चों में। जितना हांडी में जाना था उतना ही मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सुरख मिर्च, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी, और जो कुटी हुई मिर्च है वो बाद में ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि क्या बताऊँ आपको, किचन पूरा खुशबू से भर गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा नमक मिर्च का इस्तेमाल कर लें, मैंने भी कम नहीं डाले, लेकिन आप अगर और डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। तो एक बात बताऊँ, अगर आपने हांडी पहली दफ़ा यूज़ करनी है तो आपने दूध लाजमी बॉयल करना है, तो बड़ी एहतियात से इसे रखना है आपने, धोने के बाद भी आपने इसे उल्टा करके रखना है ताकि इसमें क्रैक्स ना आए, दूसरे बर्तनों से हट के आपने रखना है, इसकी बहुत ही एहतियात होती है। और खाना बनाने से पहले तकरीबन चूल्हे पे आप इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट पहले ही रख दें, ये गर्म होने में बहुत ही टाइम लगाती है हांडी, और जब गर्म हो जाएगी तो फिर आप जो है ना इजीली बना सकते हैं। गर्म भी देर से होती है और ठंडी भी, दूसरी हांडी के मुकाबले से ठंडी भी ये देर से होती है। तकरीबन हांडी वगैरह बना के रख दें तो 20-25 मिनट ये इसमें जो भी आप चीज़ पकाएंगे तो वो गर्म रहेगी दूसरी हांडी के मुकाबले से। इसमें मैं डालूंगी प्याज जो मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, इसे मैंने क्रश कर लिया हैंड से ही, क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई करने के बाद, थोड़ी देर रखें तो फिर इजीली जो है ना इसे आप हाथ की मदद से कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी,
ये ऑप्शन है, अगर आपने डालना है प्याज तो डाल दें, अगर नहीं डालना तो स्किप कर दें। और इसे डालने से हांडी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैं इधर दही डाल दूंगी, तकरीबन आधा किलो दही थी वो सारी मैं डाल दूंगी। तकरीबन दही मैंने सारी डाल दी है। दही अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर इसकी ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। देखिए जी माशाल्लाह कलर देखें इसका, हांडी का बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। तो इसे कवर करके हम पका लेंगे। याद रखिए जब भी आपने दही डालना है फेंट के डालना है और मीडियम फ्लेम पे डालना है, और चम्मच आपने चलाते जाना है क्योंकि दही फट सकता है और फिर फ्लेवर भी हांडी में अच्छा नहीं आता किसी भी चीज़ में। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। तो इसे मैं कवर करके अब मीडियम आंच पे पका लूँगी ताकि चिकन जो है ना अच्छी तरह हमारा गल जाए। 10 मिनट हो गया, मैं बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे भून रही हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, देख सकते हैं आप, आयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस कंडीशन में आके मैं डाल दूँगी इसमें 2 अदद हरी मिर्चें थी जो मैंने काट ली हैं बारीक बारीक, और साथ ही कुटी हुई मिर्च मैंने नहीं थी डाली वो हमने लास्ट में डालनी है, तो वो 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें। तो थोड़ा सा भून लेंगे। तो अब हम डाल देंगे क्रीम। क्रीम डालने के बाद आपने ज़्यादा पकाना नहीं है ना ही बुनाई करनी है, ये बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो फिर आपने हल्के हाथों से 2-3 दफ़ा चम्मच मार के तो फिर आपने बंद कर देना है, इसे ज़्यादा भूनना नहीं है डाल के क्रीम। तो अब हम डालेंगे सब्ज़ धनिया जो कि मैंने काट के धो लिया था। तो देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है, फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो देख सकते हैं, अगर आपको ये मेरी हांडी की रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर आपने करना है। तो चलिए रेडी है हमारी बोनलेस चिकन हांडी, अचारी हांडी। तो चलिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए ये मिर्चें जो मैंने बताया था आपको, इसको कट लगा लेंगे। बड़ी मिर्चें मैंने ले ली हैं, ऐसे हम कट लगा लेंगे तीनों मिर्चों को, एक साइड से आपने लगाना है। कट मैंने लगा लिया। ये मसाला मैंने तकरीबन 1 चम्मच था वो मैंने बचा लिया, इसमें हम 1/2 लेमन निचोड़ लेंगे। अगर आपने ज़्यादा खट्टा करना है मिर्चों को तो आप फिर फुल जो लेमन है वो आप उसका रस निकाल लें। साथ ही मैंने दही बचा ली थी थोड़ी सी, इसमें वो जाएगी। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। साथ ही मैं सुरख मिर्च डाल लूंगी, बाकी मसाला सारा वही है। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक, इसे आप करेंगे हम मिक्स और ये फिल करेंगे मिर्चों के अंदर। 3 अदद मिर्चें हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा इसका। तो आपने दम के वक़्त ये डाल देनी है, जब सारी हांडियाँ आपकी रेडी हो जानी है फिर हमने डाल देनी है। तो चलिए ऐसे हम मिर्च ले लेंगे एक, तो इसको कर लेंगे फिल। मिर्च आप कोई सी भी ले सकते हैं, पतली वाली भी ले सकते हैं और मोटी वाली भी। ये मैंने कर दिया इसको फिल, इधर मैं रखती जाऊँगी।
देख सकते हैं मसाला सारा मैंने इसके अंदर भर दिया है। तो चलिए अब ये मैं डाल दूंगी हांडी के अंदर। कवर उठाते हैं तो डालते हैं हम मिर्चें। मिर्ची आपने लास्ट में डालना है। अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए जी, प्रेजेंटेशन मैंने काट के तो सर्व कर दिया है। तो देख सकते हैं देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है और खाने में भी बहुत ही यकीनन मज़े की होगी। खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी हांडी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दें मुझे इजाज़त, कल एक अच्छी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।